नदौण दी फतेह प्राप्त करके गुरु जी ने बड़ा आनंद धारण किया। तो फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी के सपुत्र श्री आनंदपुर साहब विच प्रवेश कर गए। गुरु जी का आना सुन के नगर के लोग दिल विच बहुत प्रसन्न होए। गुरु जी नूं अगे हो के लैण वास्ते बड़े आदर नाल आ के मिले। नगर विच अनेक प्रकार के मंगलों की रचना करते सन अते फुल्लां दी वर्खा कर रहे सन। कई दिन बीतन तो बाद माता जीतो जी नूं गुरु जी ने विशाल सनेमर हो के खड़े होया नूं वेख्या। मन विच कामना सहित जान के उस समय बोले, घर वालियां दा की हाल है, आप जी दी की अभिलाषा है, अपना मनोरथ दसो, हुण जो भी चाहुंदे हो, जिस वास्ते आए हो ते हुण लाज सहित खड़े हो। माता जीतो जी ने हाथ जोड़ के वंदना करके कहा, हे प्रभु अंतरजामी जी, तुसी जगत गुरु हो ते सब दे दिलां दियां जानदे हो, चारे चक्कां दियां संगतां चित विच जो भी चाहुंदियां हन पाउंदियां हन, समुंदर दे अंत तक जिन्नी भी धरती है सारे तुहाडे चरणां नूं पूजदे हन। बिना सपुत्र दे आनंद नहीं है, घर सुन समान है, पुत्र जिवें दीवे दा प्रकाश हुंदा है, इस तरह बुद्धिवान कहिंदे हन। सूरज दिन समय प्रकाश करदा है तां सारा जग सुख पाउंदा है, रात दा दीपक चंद है हनेरे अते दुख नूं दूर करदा है। किरपा निधान गुरु जी ने कहा, सिख संतां दी सेवा करो ते अहंकार छड के कई प्रकार दे भोजन दिओ, सतसंगत पासों सब कामनावां पूरियां हो जाणगियां। दो लोकां दे आनंद प्राप्त करोगे जे खुशी नाल सेवा करोगे। यह सुन के गुरु जी का हुक्म मान लिया ते नमस्कार करके चले गए। भोजन वास्ते बहुत प्रकार की तैयारी करवाई। जेड़े भी संत सिख गुरु जी के पास आ के रहिंदे सन उन्हां नूं भोजन छका के तृप्त करदे सन ते मन विच सपुत्र की कामना धर के सतगुरु जी नूं प्रसन्न करदे सन। नित नवी सिख संगत मंगवा के उन्हां दे चरण धोंदे सन ते हथ विच पखा लै के उन्हां नूं सुख देण वास्ते हवा चलदे सन। इस प्रकार की माता जीतो जी ने बहुत सेवा की। सारे सुखां नूं देण वाले सतगुरु जी यह वेख के बहुत ही प्रसन्न होए। कुछ ही दिनों बाद माता जीतो जी की उन्होंने कामना पूरी की। माता जीतो जी गर्भ धारण करके बहुत प्रसन्न होए। पति देव की सेवा सफल हुई। इस प्रकार प्रसन्न चित रह के 9 महीने पूरे हो गए। परिवार बहुत प्रसन्न होया। पुत्र सहित इंतजार करद्या भारी उत्सव होया। चेत सुदी 7वीं थित नूं मंगलवार आया। 1747 संबत नूं आनंद छा गया। भले लगन ते उच्चे ग्रह सहित सुख पा के सपुत्र दा जन्म होया। बहुत दीपमाला कीती गई। बहुत मंगते सुनद्या ही दान लैण वास्ते दौड़े आए। दरवाजे उत्ते वड्डी भीड़ लग गई ते मंगते बहुत धन पा रहे सन। सोढ़ी वंश की सारी रीति कह के करवाई गई। नदौण की दूसरी जंग विच गुरु जी विजय प्राप्त करके आए सन। फिर दूसरे सपुत्र का जन्म होया ते बहुत वाजे बजाए। गुरु जी ने फिर सपुत्र का नाम रखण बारे विचार की। फिर गुरु जी ने अपने सपुत्र का नाम जुझार सिंह रख्या, जिहड़ा सुखां दे घर विच प्रसिद्ध हो गया। जुझार सिंह नाम धर के परिवार बहुत प्रसन्न होया। उधर साहिबजादा अजीत सिंह जी खेडदे सन तां उन्हां दे पाए हुए गहने खड़कदे सन। सतगुरु जी दे घर विच दो साहिबजादियां नूं माता गुजरी जी चित विच प्रसन्न हो के वेखदे सन। गुरु जी दे दोवें सपुत्रां दे संगतां दर्शन करन ते वंदना करदियां सन, हसदे हसाउंदे लीला करदे सन। नाल दे दास अनेक तरह नाल सत्कार करदे सन। श्री आनंदपुर साहब विच जिहड़े भी मनुख बेमुख हुंदे सन उह गुरु जी दी महिमा नूं नहीं जाणदे सन। हिरदे विच डर धार के गवार भैड़ी मत धारण करदे सी ते शहर नूं छड्ड के भज जांदे सन। जिहड़े श्री आनंदपुर साहब नूं छड्ड के चले गए सन उहनां नूं सब थावां ते दुख ही प्राप्त होया। किसी ने भी उहनां दा सन्मान ना कीता। वह भुखे प्यासे रह के
बहुत दुखी होए। जिहड़े शहर तो भज गए सन वह भुखे मरदे दोबारा आ गए। दिन प्रति दिन गुरु जी का बहुत बहुत प्रताप वधा गया ते गुरु जी के दोषियों का नाश हो गया। इस प्रकार गुरु जी ने अपने तेज नूं टकाया, सारे राजां दे मन विच डर उत्पन्न होया। सिख संगत सदा बहुत वधदी जांदी सी। सतगुरु जी दे ओह सुखदायक दर्शन करदे सन। जिस प्रकार माता जीतो जी सतसंग दी सेवा करदे सन, उस प्रकार ही सिख संगत नूं वड्डी भावना धार के भोजन वस्त्र दिंदे सन। मिठे लूण वाले खट्टे स्वाद सहित बने हुए चावल सब्जी सहित दिंदे सन, विच मेवे पा के पवित्र कर दिंदे सन। फिर आई हुई सिख संगत नूं भोजन छकाउंदे सन। अपने चित विच गुरु जी की प्रसन्नता चाहते सन ते सदा अपने मन की गति नूं सनेमर रखते सन। नंगियां नूं वेख के वस्त्र दिंदे सन। इस तरह सिख संगतां की सेवा करते सन। गुरु जी की मूर्ति सदा हिरदे विच दृढ़ तौर ते वसदी सी। दिन रात सतगुरु जी नाल प्रेम वध्या सी। गुरु जी के दर्शनों की लालसा बहुत रहिंदी सी ते माता जी सेवा करते किसी प्रकार आलस नहीं सी करते। गुरु जी माता जी की सेवा ते बहुत खुश हुंदे सन ते उन्हां ते बख्शिशां करते सन। गुरु जी ने माता जीतो जी की दूसरे सपुत्र वास्ते कामना जानी ते माता जीतो जी नूं बहुत प्रसन्नता बख्शी ते उस समय उन्हां दा मनोरथ सफल कर दिता। माता जीतो जी दूसरी बार गर्भवती हो गए ते उन्होंने मन विच उत्तम आनंद धारण किया। साहिबजादा जुझार सिंह बड़े सुंदर शोभदे सन, पैरां दे बल पा के खेडदे फिरदे सन। जवाहर जड़े जड़ाऊ गहने पाउंदे सन। जद वेड़े विच दौड़दे सन तां गहने चंगी तरह शब्द करदे सन। दूसरे साहिबजादे अजीत सिंह जी खेडदे फिरदे सन, दास दासियां नूं नाल रखदे सन। कदी कदी दोवें भरा मिल के खेडदे सन। सारा शरीर सुंदरता भरपूर सी। एक दिलावर खां पठान सी, वह 5000 अहुदे वाला सी। गुरु जी के जस नूं सुन के वह बर्दाश्त ना कर सकिया। तद उसने कहा मैं फौज भेजांगा। इस तरह कह के बहुत तैयारी की, बहुत समझा के अपने पुत्र नूं भेजा। हजारां सूरबीरां की सेना लैके जाओ ते लड़ाई करके आनंदपुर नूं मार लो। जे वह बहुत धन देण तां धन लै के उस समय छड के आ जाओ, नहीं तो भारी युद्ध करो। अपने पिता पासों सुन के खानसादा तैयार हो गया। उसने अपनी सेना विच बहुत गोली बरूद वरताया ते चुण चुण के योधे इकट्ठे किए। नगारे वजाउंदा फिर चल पिया ते श्री आनंदपुर साहब वाले राह विच अपने पैर धरे, भाव उस पासे चल पिया। दिलावर खां वड्डी सेना लैके आया। कहिंदा सी सारे पहाड़ी राजा पासों धन लैणा है। गुरु जी वल पहलां अपने पुत्र नूं भेजिया, इधरों भाव गुरु जी वलों सारे दे जोर दा पता लग जाएगा। इस प्रकार दिल विच हंकार धारण किया, अपने पुत्र नूं पहलां भेजिया। आनंदपुर जाके रात समय लड़ाई करो, सारे इको बार हमला करो। यह सलाह करके पठान पुत्र महान सेना लैके घोड़े ते सवार हो गया। नदी तो पार उसका डेरा सी। रात पै गई तो बहुत हनेरा छा गया। दो घड़ियां जद बीतियां जानियां तुरंत ही फिर सारी सेना तैयार कर ली, चल के नदी के किनारे आ गया। ठंड होण करके हथ पैर ठर गए। कोई मनुख वेख के आनंदपुर आया ते उत्थे पहुँच गया जिथे गुरु जी का दरवाजा शोभ रहा सी। उत्थों एक आलम गुरु जी के पास गया ते जाके चरण वंदना की। गुरु जी ने आलम नूं पुछया की गल है। आलम ने खड़े होके हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु जी, तुरकां दा दल आया है, वह आनंदपुर साहब विच प्रवेश करना चाहते हैं। सारे नदी के पार खड़े हैं। अपने सूरबीरां नूं हुक्म दिओ तां कि वह युद्ध करन वास्ते सुचेत हो जाण। सतगुरु जी ने तुरंत मुख तों फरमाया कुछ मनुखां नूं भेज के सारे नूं जगा दिओ। रणजीत नगारा वजा के सारी फौज तैयार हो गई ते मुखी योधे सब चल पए। श्री गुरु जी ने एक होर मनुख नूं भेजिया ते सारी सेना नूं समझाया दुष्टां नूं अगे चल के रोको, गोलियां मारो ते जंग वड्डे थां ते मचाओ, भाव शहरों बाहर दूर अगे चले जाओ। एक ठंड का समा सी ते वड्डा पाला पै रहा सी। जल दे पास खड़े वैरी
पिंगलियां वांग हो रहे सन। उन्हां दे हाथ पैर सुन्न हो के बेजान हो गए सन। शस्त्र उठा के हत्थां विच फड़ नहीं सकते सन। दूसरा गुरु जी दे दल दा वड्डा शोर मचा सी। इक्के वार वड्डा जोर पै गया। भयभीत हो के जित हुंदी ना समझी, फजूल विच सारयां दा नुकसान हो जाएगा। दिलावर खां दे पुत्र पास इस तरह डर के सलाह देने वास्ते बोले, गुरु जी नाल जंग करना चंगा नहीं, हुण इंज पता लगता है कि हुण मरना पवेगा। पाले नाल शरीर सुन्न होए हन, उच्चे करके शस्त्र भी नहीं उठते हैं। जिस समय नदी विच वड़ांगे, मारन तो बिना ही सारे सूरबीर मर जाएंगे। फजूल विच क्यों प्राण देंदे हो? उधरों महान सेना पहुँच गई है, जेड़े बड़ी उच्ची उच्ची पुकार रहे हैं। कौन जानता है कि उन्हां दी गिणती किन्ने हजार है? साढ़े हथियार खो लैणगे, जे सामना करोगे तो मार लैणगे। तैनू फिर सारे अनजाण कहणगे, जेड़े फजूल विच अपने प्राण दे देणगे। खाना ने मिल के दिलावर खां दे पुत्तर नूं समझाया। वह गुरु जी नूं वड्डा सूरबीर समझ के दिल विच डर गया। फिर नदी दे किनारे ही खड़ा रहा ते अपने पैरां नूं जल विच ना पाया। गुरु जी दे वड्डे प्रताप नूं समझिया, लड़ाई छड्ड दित्ती कि जित दी कोई आस नहीं है। शस्त्र चलाउण तों बगैर ही हिरना वांग ड्राकल बन गए। महामूरख कायर हिरना वांग भज चले। गुरु जी जंग विच जद आप आउणगे तां दसो ऐसा किहड़ा योद्धा है जिहड़ा वीरता धार के खड़ा रहे। तिखे तीर छड के सानू जित लैणगे। तुरकां दे सूरमे इस तरह डरदे होए सारे भज गए। खाना दी सभा विच एक हुसैन नाम दा गुलाम रहिंदा सी। ओह दिलावर पठान दे पास अपनी शक्ति दियां डिंगा मारन लगा। बहुत हंकार करदा सी ते बोलदा सी, मैं गुरु जी नूं जित लवांगा। घोड़िया ते सवार होकर नगारे वजा के चल पिया। श्री आनंदपुर साहब विच श्री गुरु जी विशाल आनंद विच रह रहे सन। जद पठान पुत्र ने भाव दिलावर दे पुत्र बड़ा उच्ची हो रहा महान शोर सुनिया सी, तां ओह कायर हो के भलान पिंड विच भज गया सी। दूर दूर तक वेख के दीवान नंद चंद बहुत सैना लैके युद्ध वास्ते खड़ा हो गया सी। सोहनी जंग देण वास्ते वैरी दी बहुत उड़ीक कीती सी। सैना दियां लाइनां बना के वैरी नूं अगाऊं लैण गए सन। जद इह सुणिया कि पठान भज गए हन, तद महान विजय प्राप्त कीती ते नगारे वजा के जित दा आनंद लिया। बहुत बंदूकां छड्डियां जिन्हां दी आवाज़ बहुत दूर दूर तक गई। फिर सारे बहुत गजदे होए श्री आनंदपुर साहब नूं वापस आ गए। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब की कथा हुई। सतगुरु जी उत्ते वैरी चढ़ के आना चाहुंदा सी ते श्री आनंदपुर साहब नूं छड़वाउणा चाहुंदा सी। बहुत वड्डा लश्कर इकट्ठा करके लियाए सन। करता पुरख ने उन्हां नूं तुरंत ही मार दिता। इस प्रकार वैरियां ते जित प्राप्त करके कलगीधर पातशाह ने बहुत आनंद धारण किया। सेवकां नूं बचा के वैरियां दा नाश किया। फिर माघ महीने का पिछला पक्ष आया। ऐतवार वाले दिन ने बहुत शोभा पाई। एकम दी थित दियां जद दो घड़ियां रह गईयां तद माता जीतो जी दे ग्रह सपुत्र ने जन्म लिया। सेवा करन योग दाइयां ने जद सुनिया तां प्रसन्न हो के बहुत उत्साहित होईयां। फिर सारे खुशियां दे वाजे वज उठे। तोपां ते बंदूकां आदि बहुत शलखां चलियां। खुसरे आके दो हत्थां नाल तालियां वजाउंदे सन। ढोल ते टलियां बहुत वजदियां सन। गा के नच के पुआटणी लैंदे सन। ताल मिला के घूंगरां दी आवाज़ नाल रलाउंदे सन। श्री सतगुरु जी ने फिर बालक दे नाम बारे विचार कीती। वैरी दा सारा दल दूर ही टाल दिता। भाव हमला करन आए हुसैनी नूं दूरों ही टाल दिता सी ते किसे होर ने ही उसनूं मार दिता सी। इस तरह नाम जोरावर सिंह उचारण किया। यह सुन के परिवार बहुत प्रसन्न होया। गुरु जी दे तीन सपुत्रां नूं वेख्या। दो सपुत्र वेड़े विच बड़े प्रसन्न होके फिरदे सन। जद भजदे सन तां गहिणियां दे खड़कण दी सुंदर आवाज़ उठदी सी। श्री अजीत सिंह जी घोड़े की सवारी करदे सन। सारे सेवकां दा फिर इकट्ठ हुंदा सी। उस तरह ही साहिबजादा जुझार सिंह जी का मुख बहुत सुंदर सी। वह घर विच बाहर अंदर फिरदे सन। फिर साहिबजादा जोरावर सिंह नूं बहुत दुलारदे सन। दाई ते खिडावां गोदी विच चुक लैंदे सन। अनेकां रंगां दे वस्त्र बनाउंदे सन।
गोटा चमकदा है जिसकी चमक चित नूं भौंदी है। तिन्हां दे शरीर वध रहे हन, मानो तीन प्रकार दीआं अग्नियां दिखाई देंदियां हन। अपने सिखां नूं सुख देण वास्ते तुरकां रूपी ब्रिछ की जड़ नूं साड़नगे। रण खेत्र विच बड़े बलवान योद्धे होणगे। प्राण तज्जण तक मन विच धीरज होवेगा। गुरु जी दे सपुत्तर हुण बंधना योग हन। सिख परिवार सब लोग उन्हां अगे सिर नवाउंदे हन। माता गुजरी जी उन्हां नाल बहुत प्यार करदे हन। वह अपने पोत्यां दी चंगी तरह पालना करदे हन। उन्हां नूं इकट्ठियां करके अपने पास बिठाउंदे हन ते परचा के भोजन छकाउंदे हन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।